मध्य प्रदेश में सड़कों की क्वालिटी में सुधार लाने और नई टेक्नोलॉजी से टाइम लिमिट में मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए खास सेमिनार आयोजित होगा, जिसमें एक्सपर्ट सड़कों की गुणवत्ता पर मंथन करेंगे। इस सेमिनार में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी शामिल होंगे। देखिए ये खास रिपोर्ट। सड़क और पुल निर्माण की क्वालिटी में सुधार लाने और नई तकनीक से टाइम लिमिट में मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने को लेकर शनिवार और रविवार को मंथन होगा। भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित सेमिनार का आयोजन भारतीय सड़क कांग्रेस और एमपी लोक निर्माण विभाग करेगा। इसमें केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी शामिल होंगे। एमपी के पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। कहा, सेमिनार में सरकारी और निजी क्षेत्रों के विशेषज्ञों को एक मंच पर लाकर अनुभवों और नवाचारों के बारे में जानकारी दी जाएगी, ताकि प्रदेश की अधोसंरचना परियोजनाओं को और मजबूती मिल सके। 48,000 किलोमीटर सड़कें हमने ली थी, अभी 15 नवंबर तक का समय तय किया है, शायद इसमें 10-15 दिन और बढ़ेंगे कि जब ये सड़कें अधिकतम इसमें मध्य प्रदेश की लोक निर्माण विभाग की जो सड़कें हैं वो सारी की सारी इसके अंतर्गत हम ले लें। बड़ी चुनौती है, लेकिन फिर भी इस चुनौती को स्वीकार कर रहे हैं। इसमें कहीं पर भी जहां गड्ढा है वहां से कोई भी व्यक्ति इस ऐप पे जियो टैग्ड फोटो, जो फोटो लेगा ऐप के माध्यम से वो जियो टैग्ड ही होगी और उसको ऐप में डाउनलोड करेगा तो वो सीधे उसी क्षेत्र के अधिकारी तक पहुंचेगी जिसके क्षेत्र की वो सड़क है। और उसके बाद हमने 7 दिन की समय सीमा इसमें निर्धारित की कि 7 दिन के भीतर उसकी जिम्मेदारी होगी कि इस गड्ढे को भरने के बाद और पुनः उसकी फोटो को वो डालेगा। विशेष रूप से बारिश के समय पर ये कठिनाइयाँ ज़्यादा होती हैं। बारिश में कोई ऐसी पद्धति नहीं है कि स्थायी रूप से उस गड्ढे को पूरे तौर पर भरे और वो बहुत अच्छी गुणवत्ता से भर भी जाए, लेकिन उसके कारण कोई दुर्घटना ना हो उस गड्ढे के कारण, ये विभाग की प्रारंभिक जिम्मेदारी होती है और इसीलिए उसको इसके माध्यम से, ऐप के माध्यम से भरने का तय किया था। अभी तक लगभग 3,700 शिकायतें इसमें प्राप्त हुई हैं, जिसमें से लगभग 95% शिकायतों का निराकरण 7 दिवस में हो भी गया। 5% शिकायतें ऐसी थी जिनका निर्धारित अवधि में निष्पादन या उसको पूर्णता नहीं प्रदान की गई, तो उस पर संबंधित अधिकारियों को नोटिस दिए गए हैं। पूरे विभाग ने उस पर बड़ी तैयारियाँ की, मैंने खुद भी प्रदेश में अनेक स्थानों पर उन सभी कार्यपालन यंत्रियों से और क्षेत्र के अधिकारियों से चर्चा की थी जिन्होंने या तो अच्छे काम किए थे या जिनके क्षेत्र में ये काम बाकी रह गए थे, और उन्हें इस बात की गंभीरता की ताकीद की गई थी कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति होगी तो कड़ी कार्रवाई आपके खिलाफ होगी। जैसा मैंने कहा कि बची हुई सड़कों को भी इसमें शामिल करने का निर्णय हमने लिया है, और उसके साथ साथ नवाचार, देश में अलग अलग तकनीकें जो NHAI के द्वारा अपने यहाँ आमतौर पर लागू की जाती हैं या अन्य तकनीकें जो चलन में आती हैं, उनमें से मध्य प्रदेश में किनका अधिकतम उपयोग हो सकता है और जो हमारे तकनीकी रूप से भी और आर्थिक रूप से भी हमारे अपने हित में हो प्रदेश के, उनका उपयोग करने का हमने निर्णय किया है। इसमें मुख्य रूप से FDR, जिसको फुल डेप्थ रिक्लेमेशन कहते हैं, माइक्रो सरफेसिंग, वाइट टॉपिंग, ऐसी उन्नत तकनीकें हैं। ये वास्तव में देखा जाए तो सड़क निर्माण का एक नया चेहरा है जिसकी शुरुआत हमने प्रारंभ कर दी है। FDR तकनीक जो पारंपरिक तरीकों से अलग हटके है, इसमें समय की बचत भी है और लागत में भी इसमें फर्क आता है। इसमें जो मौजूदा सड़क है उसको पूरी तरह से हटाए बिना उसके ऊपर ही मशीनों के द्वारा रिक्लेमेशन सामग्री का उपयोग करके, यानी उसी सामग्री का उपयोग करके और नया निर्माण किया जाता है। राकेश सिंह ने कहा, लोक निर्माण से लोक कल्याण हमारी टैगलाइन है, जिसका उद्देश्य केवल संरचनाओं का निर्माण करना भर नहीं है बल्कि ऐसी परियोजनाओं का विकास करना है जो समाज के सतत विकास में अपना योगदान दे। इसलिए हमारा लक्ष्य भविष्य की सभी परियोजनाओं इफेक्टिव मैनेजमेंट, कम लागत और समयबद्ध कार्य की दृष्टि से आदर्श बने, वो सरोवर के रूप में बने ताकि वर्षा काल में जो पानी आए वो पानी उसमें भरे
और उससे जमीन के भीतर रिश्ते, हम सभी इस बात को जानते हैं कि बारिश का पानी रोका जाए, रोके हुए पानी को जमीन में रिसाया जाए तो उससे वाटर टेबल अच्छा होता है, उस स्थान का, उस क्षेत्र का वाटर लेवल ऊपर उठता है। मैंने अपने क्षेत्र में इसके प्रयोग पहले किए हैं, उसमें बहुत सफलता मिली है। तो उस दृष्टि से ये भी प्रयास किया और इनको नाम दे रहे हैं लोक कल्याण सरोवर। इसकी शुरुआत भी हो चुकी है लेकिन बड़े स्वरूप में ये आने वाले समय में दिखाई देंगे, जो क्षेत्र में पानी की कमी को भी दूरी करेंगे, किसानों को भी उसका लाभ होगा और उसके साथ साथ जो अव्यवस्थित विकास होता है कि विकास के लिए मिट्टी की जरूरत थी, कहीं से भी ले ली और उसका मतलब कुछ निकला नहीं, तो मिट्टी जो ली जा रही है वो मिट्टी लेने के साथ प्राकृतिक रूप से भी वो बराबर रहे कि मिट्टी हमने ली है तो उसके बदले में धरती को हम पानी भी दे रहे हैं, तो पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण होगा। एक रोड एसेट मैनेजमेंट सिस्टम, इसको रेम्स कहते हैं, इसके बारे में भी, इसको भी हमने अभी लागू किया है, जो सड़क के निर्माण और रखरखाव को अधिक वैज्ञानिक और तकनीकी आधार पर मजबूती प्रदान करेगा। ये एक GIS आधारित सॉफ्टवेयर प्रणाली है जो किसी भी सड़क के, उसका नेटवर्क, उसकी वर्तमान स्थिति, वहां पर ट्रैफिक की स्थिति क्या है और उसके जो महत्वपूर्ण मापदंड है उन सबका विश्लेषण करेगा और वो सारी जानकारियां एक स्थान पर होगी। अभी मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने वर्तमान में 10,000 किलोमीटर सड़क नेटवर्क पर इसको लागू किया है और उसके अलावा 14,000 किलोमीटर जो MDR है, मुख्य जिला मार्ग, उनके सर्वेक्षण के लिए भी इसमें निविदा जारी की जा चुकी है। इसके साथ में एक इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम IPMS, ताकि जो भी परियोजनाएं चल रही हैं उनके प्रबंधन को अधिक पारदर्शी बनाए, प्रभावी बनाए और उसके साथ साथ कोई भी निविदा जारी हुई है वहां से लेकर और उसके निर्माण से लेकर उस कार्य की समाप्ति तक, अगर संबंधित कॉन्ट्रैक्टर ने उसके लिए समय सीमा में वृद्धि की मांग की है तो वो भी उसके अंतर्गत उसमें प्रदर्शित होगा, ताकि किसी भी सड़क के बारे में प्रभावी जानकारियां उसके निर्माण से लेकर उसके रखरखाव तक। सेमिनार में सड़क और पुल निर्माण की नई तकनीक, सामग्रियों के उपयोग और एग्रीमेंट से जुड़े पहलुओं पर एक्सपर्ट्स अपने अनुभव और सुझाव साझा करेंगे। सेमिनार के पहले दिन 19 अक्टूबर को उद्घाटन सत्र में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह मौजूद रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, भोपाल।